63 पर जब फोर होता है तो एज अ बैट्समैन अगर आप सही तरीके से सोचो पॉजिटिव, तो एक बात अच्छी रहती है कि ज़्यादा फील्डर कैचिंग पोजीशन में रहते हैं ना कि बाउंड्री सेविंग में, तो तब मौका रहता है कि आपको कि आप शॉट मार सकते हैं अगर विकेट अच्छा था, क्योंकि जिस प्रकार का विकेट था बहुत ही अच्छा था बैटिंग के लिए। सो ऑब्वियसली 63 को फोर तो वो अटैक करने वाले थे, तो दैट मीन्स ज़्यादा गैप्स थे सामने बाउंड्री मारने के लिए। और मेरा नेचुरल गेम है कि यू नो ट्राई एंड डोमिनेट वेन एवर आई बैट, यू नो लुक टू टेक ऑन द बॉलर्स। सो उस दिन मैं उसी सोच से खेल रहा था, और द फैक्ट कि 350 रन थे, कोई भी सिचुएशन रहता तो हमें कंटिन्यूसली थोड़ा अप टेम्पो वाला ही बैटिंग करना था, तो विकेट भी अच्छा था, तो इसलिए दैट हेल्प है। आई ऑलवेज प्ले एवरी गेम एज यू नो इट माइट बी माई लास्ट गेम, दैट इज़ हाउ आई ट्रीट। एंड वेन एवर यू रिप्रेजेंट योर कंट्री यू नो you have to give more than 100%, so I'll try and do whatever games I get, and I'll try and make sure you know every time I get into bat or ball you know I'll give my more than 100%. Pressure to har game mein rehta hai when you play for country, but it's up to individual how to take it. I always take every pressure and every hurdle as an opportunity to succeed and to get closer to my aim. So yes, the day before yesterday was just another day, you know, when I was asked by challenges and I answered with some positive intent. एक incident था कि दो साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था इंडिया ए की टूर से, मेरा हाथ तब मतलब थोड़ा पेन में था, तो मुझे पता नहीं था वो फ्रैक्चर है, मगर मैं जाके खेला वहाँ, बहुत दर्द था। खेल के वापस जब आया तब 20 दिन बाद भी दर्द कम नहीं हुआ, तब मैंने स्कैन किया और वो पता चला कि वो फ्रैक्चर था। तब मुझे पता चला कि यार मैं फ्रैक्चर में ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर इंडिया ए के लिए अच्छा खेल पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझे कितना अच्छा बिलीफ है मेरे में कि कितना भी पेन बेयर कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ हमेशा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मतलब मैं जाके कर चुका हूँ, इसीलिए वो बिलीफ बढ़ता ही रह रहा है।